अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, आज एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन के साथ इस वीडियो को मैं आपकी खिदमत में हाजिर कर रहा हूँ। ये आप जो गाड़ी देख रहे हैं, ये गाड़ी कोई आम नहीं, ये गाड़ी है हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। और आज हम आए कराची में, उनकी कुछ यादें, कुछ उनकी तस्वीरें, कुछ उनके बेडरूम्स, कुछ उनकी गाड़ियाँ, कुछ उनके टेबल्स, कुछ इस तरह की चीज़ें जो है बाबा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आपसे शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्ट है, वीडियो को स्किप नहीं करना। और न्यू हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना। तो आज मैं खड़ा हूँ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि आप सब जानते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। और मेरे साथ है मेरे छोटे भाई सैयद मोहम्मद इशफाक गिलानी, जो इस वक्त इस स्क्रीन पर मौजूद है। तो जी गाइस, चलते हैं मजीद हिस्ट्री की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं कि ये म्यूजियम है, जहाँ पर अल्लामा इकबाल कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बिलियर्ड वगैरह खेला करते थे। ये आपकी चीज़ें, ये आपकी तस्वीरें, और ये आपका बेडरूम है, और ये आपका रूम्स है। तो जहाँ पर आप रहा करते थे, ये वो चीज़ें, ये वो स्टिक्स हैं जो बिलियर्ड की मिलड़ में खेलने में आप जो है वो यूज़ किया करते थे। मैंने सोचा यार क्यों ना कि आज अपने व्यूवर्स के लिए ऐसी वीडियो लेके आऊँ जो कि एक अलग सा टॉपिक हो, एक अलग सी वीडियो हो। आज काफ़ी दिनों के बाद मेरा मूड था कि आप लोगों से ये मैं शेयर करूँ। तो ये आप ये देख सकते हैं, ये एशियन चीज़ें यहाँ पर पड़ी हैं आपकी, और ये आपका तमगा पड़ा है, और जो आपने अपने हयात में, अपनी ज़िंदगी में जो कुछ जीता, ये वो इनामात हैं आपके, ये यहाँ पर मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि ये आपका रूम्स है, आपकी तस्वीरें, आपका फर्नीचर आज भी यहाँ पर मौजूद है। बहुत ही खूबसूरती के साथ हुकूमत पाकिस्तान ने संभाल कर रखा हुआ है कि लोग दुनिया भर से आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आकर जो है आपकी चीज़ें, आपकी यादें, आपका वो गुजरा हुआ वक्त यहाँ पर जो है वो देखते हैं कि आपने किस तरह ज़िंदगी बसर की और किन किन चीज़ों के साथ आपने आगे ज़िंदगी को बढ़ाया। ये आप देख सकते हैं, गोया कि इस वक्त आप कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो कि हम रूम्स में हैं, बर्तन वगैरह इस तरह की चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये आपके कलम है, सॉरी, आप जहाँ पे बालों को स्याही लगाते थे, और ये वो चीज़ें पड़ी थी। ये आपका कोट है, और ये आपकी मिसेस के बुरखा भी है इसमें, और ये आपका पूरा मुकम्मल जो है एड्रेस रूम्स है ये यहाँ पे। और ये मैं मज़ीद आपको घुमा के कैमरा दिखा रहा हूँ। और गिलानी साहब मेरे साथ हैं, ये आपकी गाड़ी है वाइट, और ये देखें ये लोग काफ़ी दूर से आए हुए हैं। अच्छा, तो गाइस ये आपकी दो गाड़ियाँ, एक तो आपको ये दी थी सफ़ेद गाड़ी, जो दी थी ये दी थी आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, ये ब्लैक गाड़ी जो है ये दी थी नवाब सुबह सादक खान मोहम्मद पंजम अब्बासी ने, ये दोनों गाड़ियाँ आपको गिफ्ट की थी। और इस वक्त जो इनकी मालियत है वो आपको मैं बता नहीं सकता, उस वक्त की मालियत जो थी, आज की इस मालियत में भी ऐसी गाड़ी नहीं मिल सकती। आगे का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं कि ये लाखों की नहीं, तकरीबन करोड़ों की गाड़ियाँ आज भी इस रेट में जो है इनका मुकाबला नहीं करती। तो ये आपका सोफ़ा सेट जहाँ पे आप बैठा करते थे अपनी वकालत करने के लिए, और आपके पास जो है वकालत के लिए लोग आया करते थे, ये वो चीज़ें। ये आपकी जो है अलमारी है, ये आपकी तस्वीरें, और ये आपकी गाड़ी मौजूद है। मज़ीद आपको इनकी गाड़ी का विज़िट करवाता हूँ। ये देखिए, आज के दौर में यकीनन करके आप बताएं कि इस तरह की गाड़ी मौजूद है